हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक नए शेयर से रिलेटेड, मन्नपूर्णम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नपूर्णम फाइनेंस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी। बट एज कुछ कुछ लो बीटा स्टॉक्स होते हैं, कुछ हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, ये लो बीटा स्टॉक्स निकला। ओके, मैंने यहाँ पर ये बाइंग भी किया था और यहाँ पर वीडियो भी बनाई थी, एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो क्या होता है, हाई बीटा और लो बीटा, देखिए 3 महीने पहले ही वीडियो बनाई थी नेक्स्ट मल्टी बैगर गोल्ड ऑन की। 3 महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी और बताया था, तब मैंने यहाँ पर ये बाइंग भी किया था। बट जैसे ये स्लो मूविंग था तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया था, इसी प्राइस के आसपास मैंने निकाल दिया था। टेक्निकल सेटअप अच्छा लग रहा था, सब चीज अच्छा लग रहा था इस वजह से। तो अभी क्या होता हुआ नजर आया, अभी इसमें एक बाइंग होती हुई नजर आई है। क्या बाइंग होती हुई नजर आई है, वो ही है SBI म्यूचुअल फंड्स की। SBI म्यूचुअल फंड ने 48 लाख शेयर्स, 107 मतलब 106 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से, 107 रुपए टोटल मान लीजिए के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने बाइंग करी है। तो देखिए, किसी भी स्टॉक्स को भागने के लिए म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े DIIs FIIs का सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये बाइंग एक अच्छा, मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगती है। तो क्या शेयर को लेना चाहिए, क्या इसके फंडामेंटल कह रहे हैं, क्या इसके टेक्निकल कह रहे हैं, वो पूरी की पूरी एक स्टडी करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली इज इट द राइट टाइम, और द राइट टाइम विल कम आफ्टर सम टाइम। तो ये इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिल सके। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें। 2 वीडियो आ चुकी है अडानी से रिलेटेड। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि 1.9 बिलियन डॉलर के शेयर इन्होंने खरीदे हैं, एज वेल एज गोल्डन सैच ने भी खरीदे हैं। बट हम देखे इसके कंपैरिजन में इन्होंने जो बेचे हैं वो बहुत ज्यादा है। ओके, लगभग इतने करोड़ के शेयर इन्होंने यहाँ पर बेचते हुए नजर आए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। बट उससे पहले आपको पता है, हम यहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और एज वेल एज कोर्स भी है। तो यहाँ पर होली की सेल्स है। ओके, अभी तक हम 17,500 की फीस हमने बढ़ा दी थी 1 मार्च से, बट अभी 15th of this month मतलब मार्च तक मैंने यही फीस रखी है 15,000, 1-on-1 क्लासेस, 3 months की प्रैक्टिकल लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज इन मार्केट, ऑनलाइन नोट्स। इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कुछ वॉल्यूम का किस तरीके से और प्राइस के साथ किस तरीके से मिक्स होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होते हैं, सब कुछ पैटर्न्स क्या होते हैं, बेसिक्स टू एडवांस रिसर्च फंडामेंटल, स्टेजेस क्या होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 जिसके हिसाब से यहाँ पर शेयर चलते हैं भागते हैं, और आपको उस टाइम लेना चाहिए उस टाइम बेचना चाहिए। और 8860540501 8169261037 इन नंबरों पे को सेव कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आते हुए नजर आएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। क्या फायदा है व्हाट्सएप ग्रुप, 1,000 रुपीज पर मंथ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यहाँ पर आप बाहर जाते हो तो उतना खर्च कर देते हो, 3% अप, 4% अप, ओके, एज वेल एज देखिए 5% अप। ये हम शेयर्स डालते हैं, देखिए 5% ये कल के है, 5% 5 7% 8% 10% 10% ओके 4 12% 5% ये मूवमेंट कल का ही है, कोई ये दूर से नहीं है। जो हमने शेयर्स दे रखे हैं वो शेयर्स इस तरीके से भाग रहे हैं। तो आंख बंद करके भी आप इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा समझदारी के साथ करेंगे, और अगर सीख लेते हैं उसके साथ करोगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। बाइंग सेलिंग की बट कोई रिकमेंडेशन हम ग्रुप में देते हैं ना यहाँ पर देते हैं, बट आप ऐड हो सकते हैं और फायदा ले सकते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। तो मन्नपूर्णम फाइनेंस की बात करें तो करती क्या है कंपनी, कंपनी एक गोल्ड लोन है। ओके, गोल्ड लोन का बिजनेस करती हुई दिखाई देती है, एक NBFC है, नॉन बैंकिंग टेकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फंड्स बेस्ड एंड फी बेस्ड सर्विस इंक्लूडिंग गोल्ड लोन, मनी एक्सचेंज भी करते हुए दिखाई देते हैं, और भी इनकी बहुत सारी सर्विसेज चलती है। कंपनी की और यहाँ पर जानना चाहते हो तो एक बार इनकी वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में जाओगे तो इनका जो डोमिनेंस है, ओके, जैसे मन्नपूर्णम की तरह यहाँ पर मुथूत फाइनेंस भी काम करता है, वो लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, और एज वेल एज इसका जो डोमिनेंस है, इसका डोमिनेंस साउथ में ज्यादा है, उसका डोमिनेंस अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर ही है, सारे के सारे इनके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। ओके, ये बिजनेस लोन देते हैं, लोन गोल्ड लोन देते हैं, व्हीकल्स लोन देते हैं, सिक्योर लोन देते हैं, ये फॉरेक्स मनी ट्रांसफर भी करते हैं, ज्वाइन एज बिजनेस एसोसिएट। तो यहाँ पर ये सब चीज इनके प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं सभी तरीके के यहाँ पर लोन देते हुए नजर आते हैं। और आजकल सारे बड़े छोटे लोग इस तरीके के लोन, पर्सनल लोन लेके ही आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही है। तो हम बात करें मन्नपूर्णम फाइनेंस के
बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो ये देखिए लगभग स्मॉल कैप कंपनी है, 8,980 करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैप है, ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं है। स्टॉक पी 6 का है, इंडस्ट्री का पी 23 का है, बट स्टिल पी के बेसिस पे हम कभी काम नहीं करते, आपको पता ही है। और पी अच्छी कंपनी के पी हमेशा हाई रहते हैं, कुछ बेकार कंपनी के पी कम रहते हैं, बट कम कभी अच्छी कंपनी के पी भी कम पे मिल जाते हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है। बुक वैल्यू 106 रुपए की है और 106 रुपए पे ही शेयर प्राइस चल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देती है। 126 का 52 वीक हाई है, और इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए 267, अगर यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो आपके पैसे 160% के आसपास के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे रिटर्न। हमने मोलटेक खरीदा था, मोलटेक में हमें 175% के रिटर्न विद इन 3 मंथ्स मिलते हुए नजर आए थे, तो ये टारगेट अचीवेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी का डेट दिख रहा होगा आपको 307% का, बट ये NBFCs है, ओके लोन का काम है, तो यहाँ पर डेट रहेगा, तो इसे इग्नोर करना है, कोई प्राइसिंग नहीं है। अच्छा शेयर यहाँ नजर आता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए राइट टाइम पे बाइंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ओके कभी भी यहाँ पर ऐसे छोटे शेयर होते हैं और लोन के काम रहते हैं, तो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके के यहाँ पर, बट ओवरऑल पैटर्न देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर नजर आता है। तो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी पे आप हिट करोगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, तो वो सी चीज से रिलेटेड मैं आज यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ। बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के रिजल्ट्स अगेन अच्छे आते हुए दिखाई दिए और हाईएस्ट एवर पिछले 2 क्वार्टर से क्या रहे रिजल्ट आ रहे हैं, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कंपनी का जो फाइनेंस मार्जिन है वो भी यहाँ पर अच्छा आ रहा है, 34%, 33%, ओके जो कि ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। एज वेल एज देखिए कंपनी का ईपीएस काफी अच्छा है यहाँ पर, एज वेल एज देखिए यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे रहा है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखाई देता है बट चलेगा। एज वेल एज यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस पे तो कंपनी का 44 करोड़ की 2007 में सेल थी, अभी लगभग 63,094 करोड़ रुपए की इसकी सेल है। नेट प्रॉफिट भी देखिए 11 करोड़ से यहाँ पर लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पर हम बात करें 2021 के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पर कम है। और शेयर भी अगर आप देखोगे तो इसने अभी यहाँ पर हाई बनाया था 2021 में 2008 के आसपास, और उसके बाद लगातार यहाँ पर एक क्या है एक गिरावट होती हुई दिखाई दी है, तो ये क्या है डिक्लाइन फेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 वही डिक्लाइन फेज है जहाँ पर हम बाइंग नहीं करते, और इसके बाद स्टेज 1 चालू है जहाँ पर हम बाय नहीं करते, और इसे मैं अभी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। रिजर्व्स कंपनी के पास 87-88 करोड़ रुपीज के रिजर्व्स है, बोरिंग भी साथ में है तो बोरिंग हमें देखनी नहीं है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 416 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश भी बात करें 56-34 करोड़ रुपीज का कैश भी है, तो कंपनी कैश रिच है, रिजर्व्स अच्छे खासे है, कंपनी सब कुछ अच्छा यहाँ पर दिखा रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, देखिए यहाँ से 35% थी, ओके इसका 0.15 बढ़ी, फिर 0.18 हुई, और 0.2 यहाँ पर मतलब पॉइंट में कम बढ़ रही है, बट धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। एज वेल एज FIs यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रही है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। एज वेल एज DIs की बात करें तो DIs की हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर क्या होती नजर आ रही है, कम आ रही है, बट अभी एक DIs आ चुका है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि एक बल्क डील होती हुई दिखाई दी है, कब 3 मार्च को, मतलब कल के दिन यहाँ एक बल्क डील हुई है, 48 लाख शेयर 107 रुपए के हिसाब से SBI म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर खरीदे हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट है, और पब्लिक की होल्डिंग 23% की है, तो पब्लिक की होल्डिंग का कम होना अच्छी बात है, और अभी इसके बाद और जैसे SBI ने बाइंग करी है तो यहाँ पर ये होल्डिंग और कम होती हुई नजर आएगी, तो ये एक क्या है एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पर कभी भी ये शेयर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमें यही चाहिए होता है। कभी आप मेरी क्लास में को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर FIs DIIs की बाइंग किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक जान डाल देती है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है और वो शेयर मूव करता हुआ दिखाई देता है, तो कल तैयार रहिएगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है कि अभी मैं बाइंग करूंगा, अभी बाइंग नहीं करूंगा, कब करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट, और इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप और होली ऑफर का फायदा उठा के 15,000 में कोर्स कर सकते हैं, जहां पर लोग 50,000 में कराते हैं, मैं आपको 15,000 में ही करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया, शेयर अच्छा खासा भागा, अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आए, ओके और शेयर एक लो बना के, ओके ये सारे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा, लो बना के यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, ओके यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट भी आता हुआ अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए शेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक लो बन चुका है ये वाला, ओके अब शेयर ने यहाँ पर एक लो बनाता हुआ दिखाई दिया, एक यहाँ पर सपोर्ट भी था, आप यहाँ पर देखोगे तो एक बेहतरीन सपोर्ट था, उसी को सपोर्ट को होल्ड करके चीजें ऊपर जा रही है, बट अभी
टेक्निकली ये थोड़ा सा वीक नजर आता है, ओके, टेक्निकली ये शेयर थोड़ा सा वीक नजर आता है, कब बाइंग बनती है? यहाँ पर देखिए 106 पे शेयर चल रहा है, ओके, 4-5% हम महंगा खरीद लेंगे बट टाइम पे खरीदेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था टाइम पे खरीदना बहुत जरूरी है। अब ऊपर के लेवल पे लेके नीचे के लेवल पे लेके खरीद के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सही टाइम पे। तो कब खरीदना है? जैसे ही ये शेयर अभी कितना ऊपर 106 पे चल रहा है, ओके, ये लगभग लगभग 13-14% और ऊपर, जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल टूटेगा, ओके, इस शेयर को आप बाइंग करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे तो अच्छे खासे यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई है ये, और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव होने वाला है। और जैसे ही ये लेवल टूटेगा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो इसमें आप क्या करिएगा, एंट्री करिएगा। और जैसे ही आप इसमें एंट्री करोगे तो आपको ये शेयर मूव करता हुआ दिखाई देगा अच्छे तरीके से, मतलब ये जो भागने वाला लेवल है ना, ये भागने वाला लेवल आएगा और यहाँ पर ये शेयर का टारगेट फिर आते हुए दिखाई देंगे, 86% का टारगेट ये। और अभी अगर आप बाइंग करते हैं तो रिस्क कम है, नो डाउट, ओके, 100% से ज्यादा कि आपको रिटर्न मिल सकते हैं, बट एक रिस्क बनी रहती है यहाँ पर। तो आप अगर अभी भी करना चाहते हैं स्टॉप लॉस लगा लीजिए 101 रुपए का, या 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और उसके बाद अगर चीजें नीचे आती है तो यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो स्टॉक में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट रिस्क को मैनेज करके सही टाइम पे बाइंग अगर आप करते हो, लो रिस्क हाई रिटर्न का गेम खेलते हो, तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है स्टेज 4। स्टेज 1 की कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन कितना भी लंबा हो सकता है नोबडी नोज। तो इसके जैसे ही निकलेगा यहाँ पर चीजें बाइंग करना, अच्छे खासे रिटर्न बनेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। और जो ये न्यूज है, एक पॉजिटिव न्यूज है कि इस तरीके से SBI म्यूचुअल फंड ने 48 लाख शेयर यहाँ पर खरीदे हैं, और चीजों को सीखिए, सीख के यहाँ पर पैसा बनाना सीखे, ना कि ये बिजनेस है, ना कि जुआ की यहाँ पर बैटिंग कर ली कि इतने रन बनेंगे या फिर ये नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।